हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द सेकंड लेसन, जिसको हम पढ़ चुके हैं द टाइगर किंग। यानी कि प्री वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स द टाइगर किंग, जो सेकंड चैप्टर है आपकी सेकंड बुक विस्टास का, उसका डिटेल्ड समरी एंड इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स पढ़ेंगे। और यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुली एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और लास्ट में यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और कमेंट्स भी कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि आपको कहाँ तक समझ आया है और कहाँ डाउट है। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आते हैं, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम? फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि राजा का जो नाम था स्टूडेंट्स जंग जंग बहादुर, तो उसके साथ साथ उसे टाइगर किंग क्यों कहा गया? यानी कि टाइगर किंग कौन है और उसको ये नाम कैसे मिला? राइट, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। आंसर देखिएगा, द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग जो है स्टूडेंट्स, वो प्रतिबंधपुरम का महाराजा है। व्हेन ही वॉज एन इन्फेंट, जो वह एक शिशु था, बच्चा था, एन एस्ट्रोलॉजर मेड ए प्रोफेसी, एक भविष्यकर्ता ने, एक ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की थी, दैट कि व्हेन ही ग्रीव अप, जब बड़ा हो जाएगा, ही वुड बी किल्ड बाई ए टाइगर, तो उसे एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ये भविष्यवाणी किसने की थी? ज्योतिष ने, जो उसके जन्म के समय बुलाए गए थे। राइट, तो उनमें से किसी एक ज्योतिष ने कहा था कि जब ये बड़ा हो जाएगा और राजा बनेगा, तो एक टाइगर के द्वारा इसकी मौत होगी। ऑन हियरिंग दिस, और यह सुनकर, द इन्फेंट लेट आउट ए हॉरिबल ग्राउन, तो शिशु ने एक बहुत ही डरावनी भयानक गर्जन प्रकट की। व्हेन ही ग्रीव अप, जब वह बड़ा हो गया, ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, तो उसने टाइगरों को मारना स्टार्ट कर दिया। दैट इज वाई, यही कारण है, ही वॉज निक नेम द टाइगर किंग, उसे जो निक नेम दिया गया वो टाइगर किंग दिया गया। किस वजह से दिया गया स्टूडेंट्स? क्योंकि बड़ा होने के बाद उसने टाइगर मारने स्टार्ट कर दिए, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा टाइगर किंग। ओके, आई होप दैट यू गॉट इट प्रॉपरली। देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वॉट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, शाही शिशु बड़ा होकर कैसा बना? यानी कि उसकी फिजिकली हेल्थ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से बना। द रॉयल इन्फेंट ग्रीव अप टू बी ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग यंग मैन, यानी कि शाही शिशु बड़ा होकर हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा जवान बना। व्हेन ही केम टू द एज ऑफ 20 या 21, यानी कि जब उसकी आयु 20 वर्ष या 21 वर्ष की हुई, तो ही वॉज मेड द किंग ऑफ हिज स्टेट, तो उसे उसके राज्य का राजा बना दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। वॉट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, यानी कि महाराजा क्या करेगा टाइगरों को मारने के लिए? जितनी आवश्यक संख्या की उसको आवश्यकता थी, उस संख्या को प्राप्त करने के लिए राजा क्या करेगा? कितनी संख्या की आवश्यकता थी स्टूडेंट्स? 100 टाइगर उसको मारने थे। द महाराजा वॉन्टेड टू किल 100 टाइगर्स, महाराजा चाहता था टू किल मारना 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स, इन ऑर्डर टू एस्केप द प्रोफेसी मेड बाई द एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी के द्वारा की गई भविष्यवाणी से मुक्त होने के लिए राजा को 100 टाइगर मारने की आवश्यकता थी। बट देर वॉज नॉट इनफ टाइगर्स लेफ्ट इन हिज स्टेट, किंतु राजा के राज्य में अब इतने पर्याप्त टाइगर नहीं बचे। सो ही डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल, सो राजा ने फैसला किया शादी करने का, ए गर्ल, एक ऐसी लड़की से, फ्रॉम द स्टेट, जो ऐसे राज्य से बिलोंग करती हो, इन विच देर वर इनफ टाइगर्स, जहाँ बाघों की संख्या पर्याप्त हो। By doing so, इस प्रकार से ऐसा करके, he will have access to the tigers of that state also, राजा उस राज्य के भी बहुत सारे टाइगरों को मार सकेगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल वोकैबुलरी यूज़ की गई है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्री वीडियो लेक्चर को वॉच कीजिए, जहाँ मैंने समरी डिस्कस किया है, ताकि आपको और इजी हो जाए। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ, राजा अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेगा, कैसे तैयार करेगा फॉर द 100 टाइगर, यानी 100वें टाइगर को मारने के लिए राजा अपने आप को कैसे तैयार करेगा। विच वॉट्स फॉर, जो कि माना जाता था टू डिसाइड हिज फेट, यानी कि उस टाइगर की मौत के साथ ही राजा के भाग्य का फैसला होना था। आंसर देखिएगा, ए प्रोफेसी हैड बीन मेड, यानी कि एक भविष्यवाणी जो थी वो की गई थी, दैट की द महाराजा वुड बी किल्ड, कि महाराजा को मारा जाएगा, बाई द 100th टाइगर, 100वें टाइगर के द्वारा महाराजा की मौत होगी, एक भविष्यवाणी की गई थी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट प्रोफेसी, यानी कि इस भविष्यवाणी को झूठा करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ही हैड डिसाइड, उसने फैसला किया था, किसने, राजा ने, टू किल मारने का, 100 टाइगर, 100 टाइगर मारने का फैसला किया था।
यानी कि राजा के जन्म के समय जब ये प्रोफेसी हुई थी कि राजा की मौत एक टाइगर से होगी, क्योंकि वो एक अशुभ मुहूर्त में पैदा हुए थे, एक बैल के मुहूर्त में पैदा हुए थे, तो राजा ने डिसाइड कर लिया कि इस भविष्यवाणी को मुझे झूठा करना है, इससे मुझे फ्री होना है, मुक्त होना है और अपनी लाइफ को सेव करना है। तो उसने 100 टाइगर मारने का डिसाइड किया था। ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99 टाइगर्स, राजा पहले ही 99 टाइगर्स मार चुका था। ही वॉज टोल्ड दैट टाइगर विजिटेड द फॉरेस्ट ऑफन, ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया दैट कि ए टाइगर विजिटेड द फॉरेस्ट ऑफन, कि अक्सर एक टाइगर जो है, एक बाघ जो है, जंगल में आता था, जो कि भेड़ों को उठाकर ले जाता था। तो स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, द महाराजा वेंट टू द फॉरेस्ट, महाराजा जंगल में चला गया। बट द टाइगर वॉज नॉट विजिबल, किंतु टाइगर कहीं दिखाई नहीं दिया। बट द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिंड, किंतु महाराजा भी इक्वली बराबर ही दृढ़ संकल्पित था टाइगर को मारने के लिए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उसने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि बाघ नहीं मिलेगा, राजा ने डिसाइड कर रखा था कि मुझे ये 100 जो टाइगर है, 100वां जो बाघ, इसको मारना ही है हर कीमत पर। लेकिन जब राजा जंगल में जाता है तो वहाँ वो अपना कैंप लगा लेता है, लेकिन कई दिनों तक वहाँ रहने के बाद भी राजा को कोई टाइगर नहीं दिखाई देता। तो राजा काफ़ी ज़िद्दी हो जाता है इस चीज़ को लेकर, काफ़ी डिटर्मिंड हो जाता है, संकल्पित हो जाता है कि मैं जंगल को नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं उस लास्ट आखिरी जो 100वां बाघ, उसको नहीं मार देता, नहीं ढूंढ लेता। ऑलराइट, देखिएगा 5th क्वेश्चन, What will now happen to the astrologer? अब भविष्यकर्ता का, ज्योतिषी का क्या होगा? Do you think, क्या आपको लगता है? The prophecy was indisputably disproved, कि भविष्यवाणी जो थी वो निश्चित रूप से गलत साबित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अब ज्योतिषी का क्या होगा, यदि राजा ने 100वें टाइगर को मार दिया तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी का क्या होगा? क्या उसकी भविष्यवाणी indisputably disproved, निश्चित रूप से, यानी कि indisputably का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से disproved, क्या गलत साबित हो जाएगी? देखिएगा आंसर, Nothing will happen to the astrologer, यानी कि ज्योतिषी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। He will not be proved wrong, वह गलत साबित नहीं किया जाएगा, वह गलत साबित नहीं होगा। The महाराजा kills 100 tigers, महाराजा जो है मारता है 100 tiger, यानी कि राजा वैसे तो अपनी गिनती पूरी कर लेता है 100 tiger की, लेकिन एक्चुअल में लास्ट जो 100वां tiger था वो उसको नहीं मार सका था। राइट, वह फेंट हो गया था टाइगर, उसकी जो गोली की आवाज़ को सुनकर, और जो गोली उससे बाघ की जो स्टीन को रगड़ती हुई निकल गई थी, उससे टाइगर जो है शॉक हो गया था और फेंट हो गया था, जिसे राजा को लगा कि वो मर गया है, जबकि उसके एक रॉयल हंटर ने उसको मारा। तो राजा की साइट में उसने 100 टाइगर मार दी, लेकिन वो 99 टाइगर ही मार चुका, 100वां टाइगर वो नहीं मार सका था। बट देन ही विल बी किल्ड, किंतु तब वह मारा जाएगा। वैन ए क्विल, क्विल का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, या आप थॉर लिख सकते हो, TH, थोड़ा मतलब होता है कांटा, ऑफ अ वुडन टाइगर, यानी कि जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा है कि वो जो लकड़ी का टाइगर अपने सन के लिए लेकर आता है, जो उसका थर्ड वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, गिफ्ट के रूप में अपने लड़के को वो एक वुडन टाइगर देता है। तो वुडन टाइगर की जो स्किन थी स्टूडेंट्स, वो काफ़ी रफ थी, काफ़ी खुरदरी थी, उस पर छोटे छोटे सिल्वर क्विल्स थे, सिल्वर थॉर्न थे, यानी कि चांदी जैसे कलर के छोटे छोटे कांटे से थे। तो उन्हीं में से एक कांटा राजा को चुभ जाता है, पियर्सिस का मतलब होता है चुभना, द महाराजाज हैंड, राजा के हाथ में उस वुडन टाइगर का एक कांटा चुभ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो इस प्रकार से जो लास्ट जो टाइगर था स्टूडेंट्स, उसने राजा की, उसकी वजह से राजा की मौत हुई, आप ये मान सकते हो। जो एस्ट्रोलॉजर था स्टूडेंट्स, जो ज्योतिषी था, उसकी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। ओके, सो लास्ट में राजा मर गया। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6, What was the crisis to the king's throne? यानी कि राजा के सिंहासन पर क्या संकट था? How was this crisis averted? Averted मतलब टल जाना, और ये संकट किस प्रकार से टला? आंसर देखिएगा, Once there was a crisis and the महाराजा was in danger of losing the throne. यानी कि एक बार महाराजा को अपना सिंहासन खोने का खतरा बना हुआ था। A high ranking British officer, एक उच्च पद का ब्रिटिश अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में पहुंचा। He was very fond hunting tigers. वह टाइगरों को मारने का बड़ा शौकीन था, उनका शिकार करने का बड़ा शौकीन था। कौन? जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था। मोर देन किलिंग ए टाइगर, यानी कि टाइगर को मारने से भी अधिक ही लाइक्ड, उसको अच्छा लगता था टू बी फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाना विद द टाइगर, टाइगर के साथ, होम ही हैड किल्ड, यानी कि उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो कि प्रतिबंधपुर में पहुंचा था, उसे टाइगरों को मारना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन टाइगरों को मारने से अधिक अच्छा उसको उस मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना ज़्यादा पसंद उसको था। बट द महाराजा रिफ्यूज टू ग्रांट हिम परमिशन, किंतु राजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन देने से मना कर दिया टाइगरों को मारने की। देन द ब्रिटिश ऑफिसर सेड, द ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा दैट की ही ओनली वॉन्टेड टू बी फोटोग्राफ्ड, वह केवल फोटो खिंचवाना चाहता था विद द डेड टाइगर, मृत टाइगर के साथ। यानी कि इस ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि टाइगर तो आप ही मार देना, लेकिन मैं सिर्फ उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। बट द किंग डिड नॉट एग्री इवन टू
द प्रपोजल, किंतु राजा इस प्रपोजल से भी सहमत नहीं हुआ, बिकॉज ही हैड प्रिवेंटेड, क्योंकि राजा ने उसको मना कर दिया था, किसको, ए ब्रिटिश ऑफिसर को, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूरी करने से मना किया था। द महाराजा वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, इसलिए महाराजा को काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं अपना सिंहासन ना खो दें। द किंग थॉट ऑफ ए प्लान, राजा को एक योजना सूझी, ही गॉट 50 डायमंड रिंग्स फ्रॉम ए ब्रिटिश ज्वेलर इन कलकत्ता, राजा ने 50 डायमंड की रिंग्स मंगवाई कलकत्ता के ज्वेलर से, एंड सेंट और भेजा दीज टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, और ये सभी की सभी जो अंगूठियाँ थी उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास भेज दी। सो इन दिस वे दिस क्राइसिस वॉज अवर्टेड, तो इस प्रकार से राजा जो है इस संकट को टालने में सफल हुआ और ये संकट टला। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ आपको प्रॉपरली समझ आया, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।